फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से एक नया डिज़ाइन आज आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये भी सिंपल और आसान तरीके से बता रहा हूँ, जो बहुत ही कम समय में आप आसानी से बना लेंगे। ये बिगनर्स के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए मैं बना रहा हूँ सिंपल और आसान डिज़ाइन, जो अगर कोई घर में बना के अपने लिए बनाना चाहता है तो घर में बैठ के बना सकता है। इतना सिंपल वर्क बता रहा हूँ। ये वाइट पेंसिल है हमारा, इसी वाइट पेंसिल से मैंने इसको यहाँ पर अभी ड्रॉ कर लिया है कपड़े के ऊपर, और आगे मैं क्या बना रहा हूँ आप वीडियो में बने रहें। और फ्रेंड्स, 753 नंबर का गोल्डन जरी, और ये दो तार का नीडिल, और ये हमारा वुडेन का नीडिल। यही दो नीडिल से ये वर्क को रेडी करके मैं दिखाऊंगा अभी आपको। यहाँ पर गोल्डन जरी का फर्स्ट आपको आउटलाइन करना है। गोल्डन जरी इसलिए मैं, गोल्डन जरी हो या साड़ी का कलर हो, अगर आपके पास साड़ी कलर है तो आप साड़ी कलर डाल सकते हैं यहाँ पर, ताकि ब्लाउज में आपके कलर भी ऐड हो जाएगा। मैं फ़िलहाल गोल्डन में बना रहा हूँ। यहाँ पे 3 लाइन जरी का आउटलाइन करना है, क्योंकि टेलर को स्टिच करने में प्रॉब्लम ना हो, और हमारा बीट्स की वजह से उसको स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए 3 लाइन यहाँ पर आउटलाइन किया जाता है फर्स्ट, खास के स्पेशली बीट्स का जब वर्क करें आप तो 3 लाइन आउटलाइन मोस्ट ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने स्पीड पॉली कंपनी का कॉटन का धागा लिया है, और यहाँ पर फिर से बीट्स का लाइन करना है। और अभी हमारा ये वर्क स्टार्ट हो गया 7 नंबर के निडिल का, 7 नंबर का वुडेन का निडिल है हमारा ये, और इससे ये सुगर बीट्स 1, 2 इसी तरह से लाइन बाई लाइन करके आपको करना है। कभी 1 बीट्स लगाना है, कभी 2, कभी 1, कभी 2, इस तरह से। और यहाँ पर हमारा 1 लाइन सुगर बीट्स का काम कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और अभी यहाँ पर फिर से मैं, और यहाँ पर फिर से मैंने कप चैन स्टोन लिया है, और यहाँ पर चैन स्टोन का हमारा वर्क स्टार्ट होगा। ये देखें, यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर जगह बना हुआ है स्टिच लगाने के लिए, तो एक छोड़ के दूसरे में स्टिच लगाना है। आप चाहें तो सभी में लगा सकते हैं इस तरह से, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक छोड़ के भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा जल्दी करना है एम्ब्रॉयडरी तो आप एक छोड़ के कर दें। और यहाँ पर अभी हमारा चैन स्टोन का काम फिनिश हो चुका है, इसको मैं सीजर से कट कर लूँगा नाप करके। और इसको लॉक कर दूँगा, फिर से सुगर बीट्स लूँगा इस तरह से। और यहाँ पर फिर से स्टार्ट करूँगा 1 लाइन सुगर बीट्स।
और यहाँ पर हमारा लाइन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फिर से ये जो स्कालिप डिज़ाइन है वहाँ पर मैं करू जैसा कनाडा में बोलते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पाइप्स लिया है, ये देखें, और इसको भी वुडन के 7 नंबर के नीडल से इस तरह से इसमें ले लेना है। और यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे एक एक लगा देना है और लॉक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें और यहाँ पर वाइट पर्ल और एक शुगर बीट्स, वाइट पर्ल एक शुगर बीट्स, इस तरह से आपको नीडल में भर लेना है। और यहाँ पर जो पाइप्स लगाया है, पाइप्स के ऊपर शुगर बीट्स ऊपर की तरफ और पर्ल नीचे की तरफ करके इस तरह से आपको लगा देना है। अभी मैं सिंपल डिज़ाइन इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि अगर किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी सीखा होगा तो ये घर में घर के लिए बना सकते हैं वो लोग। बहुत ही कम समय में बनने वाला डिज़ाइन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, टफ काम नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी वर्क बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा पर्ल का काम भी फिनिश हो चुका है। और फ्रेंड्स ये हमारा रेडीमेड स्टोन है, ये लीफ के तरह आता है रेडीमेड, इसमें कुछ भी एम्ब्रॉयडरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए ये स्टोन को यूज़ किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पर मैंने लीफ बनाया था ना, उस लीफ में ये फेब्रिक ग्लू की मदद से, ये बहुत अच्छा ग्लू होता है कपड़े में, बहुत अच्छी तरह से ये अटैच हो जाता है स्टोन इसका। यहाँ पर थोड़ा फेविकॉल इस तरह से लगा देना है आपको।
और ये हमारा वुडन कनेडिल है। इसके अपोजिट साइड में थोड़ा फेविकॉल इस तरह से लगाना है आपको, और खाली जगह पे जो कपड़ा वेस्ट है वहाँ पर आपको थोड़ा ऐसा सा कर देना है ताकि आपको स्टोन आसानी से उठ सके। देखें थोड़ा भारी होता है, वेटेड स्टोन होता है फ्रेंड्स ये। थोड़ा स्टोन वेटेड होता है फ्रेंड्स ये, इसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, होने दो बलर। ये देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको ये लीफ स्टोन लगा देना है फैब्रिक ग्लू की मदद से, और आपका ये डिज़ाइन सिंपल सा, ये देखें कितने कम समय में मैंने आपको ये सिंपल सा डिज़ाइन बना के दिखा दिया। आप चाहें तो घर के लिए अपना बना सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन। और हमारा ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरह का लुक दिख रहा है। इसमें एक थोड़ा सा और काम ऐड कर देते तो और अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पर ये जो खाली जगह दिख रहा है, और यहाँ पर हमारा ये जो हॉप वाइट कलर का पर्ल है उसी को यहाँ पे लगा देंगे खाली जगह में। ये पर्ल का वर्क ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। ये स्टोन हमारा गीला है, ये हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, सिंपल और प्यारा सा डिज़ाइन। तो आप लोग अपने घर में अपने लिए बनाएं ये डिज़ाइन। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।